वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बटर नान की रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, 1 कप मैदा लिया है उसके अंदर। यहाँ हम 1 कप से मेजरमेंट करेंगे। यहाँ 1 कप से 3 नान ईजिली बन जाएंगे। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून चीनी पिसी हुई, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून नमक, और इन्हें अच्छे से मिला देंगे हाथों से। अब यहाँ डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल, रिफाइंड या बटर। यहाँ मैंने बटर डाला है, कुछ भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि ये बटर नान है इसलिए बटर डाला है मैंने। ये अच्छे से मिला देंगे हाथों से, रफली मिलाएं आप। यहाँ मैंने 1/4 कप दही डाली है, इसे हाथों से मिलाएं अच्छे से। 1/4 कप गरम, हल्का गरम दूध लिया है, आप ना ज़्यादा ठंडा लें ना ज़्यादा गरम लें, हल्का गरम। यहाँ मैंने अच्छे से गूंद लिया है आटा। ये गीला गीला ढीला ढीला सा लगेगा आपको आटा, लेकिन ये परफेक्ट है नान के लिए। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये अच्छे से मैंने मसल लिया है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 1 टीस्पून बटर लिया है और अच्छे से इसे लगा देंगे। ये देखिए कैसा बटर है ना, ये गीला गीला सा, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और इसे रख दें आप। ये मैंने कॉटन के कपड़े से ढक दिया है 4 घंटे के लिए। ये मैंने हटाया, देखिए ये ऐसा हो चुका है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे। देखिए देखिए, मैं मसल रही हूँ हाथों से। प्लेट को मैंने ग्रीस कर लिया था पहले ही बटर से, ये मैं हाथों से मल रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, इससे नान बहुत अच्छे बनेंगे और बबल्स आएंगे नान में। देखिए ऐसे ही मसलना है आपको आटा। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपको वैसे ही प्रोसेस करना है, कट एंड फोल्ड का। ये देखिए, ये मैंने लगा लिया है, अब मैंने कट कर दिए हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसमें 3 नान अच्छे से बन जाएंगे। अब हम लोई बना लेंगे। देखिए ये मैंने लोई बना ली है, जैसे रोटी की लोई बनाते हैं सेम ऐसे ही लोई बनानी है। ये मैंने तवा लिया है, आपको नॉन स्टिक तवा बिल्कुल नहीं लेना है। आपके पास ऐसी ही तवा हो तो आप ऐसी ले लें, वरना आप लोहे का तवा लें। ये मैंने डस्ट करा है आटा और हाथों से फैला दी है रोटी। देखिए अच्छे से आप हाथों से फैला दी। अब देखिए मैं बेलन मारूंगी, अच्छे से गोल कर लें आप। आप जैसा भी शेप देना चाहती हैं वैसा शेप दें, मैं गोल देना चाहती हूँ इसलिए मैं गोल कर रही हूँ। ये देखिए, आप इसे थोड़ा मोटा रखें, ना ज़्यादा बिल्कुल मोटा करें ना ज़्यादा पतला करें, आप इसे मोटा रखिए, मीडियम मोटा, ठीक है। जैसे आलू का पराठा होता ना, इतना मोटा। ये देखिए मैंने नारियल का बारूदा लिया है, इसमें ग्रीन फूड कलर मिलाया है थोड़ा सा, और हम इस पर लगा देंगे। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा नान में और ये देखने में भी बहुत प्यारे और खूबसूरत लगेंगे। ये हमने बेलन से अच्छे से चिपका दिया है इससे। ये अब देखिए मैंने उठा रही हूँ। अब हम इस पर अच्छे से पानी लगा देंगे। आपको बहुत अच्छे से पानी लगाना है चारों तरफ, वरना आपका नान तवे पे सर गिर जाएगा। ये देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से नान लगा रही हूँ नान पर। ये देखिए कितना अच्छा पानी लगाया है मैंने चारों तरफ। अब नान जहाँ पानी लगाया है उस तरफ से डाल देंगे। गैस की फ्लेम तेज रखेंगे। देखिए कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं। ये देखिए कितना फूला है। अब हम जब बबल्स आ जाएं, अब हम इसे पलट देंगे।
देखिए अब मेरा पलटने का तरीका देखिएगा आप कि मैं कैसे पलट रही हूँ। देखिए बस आप इसे गोल गोल आँच लगाएं, सेक लें बढ़िया करके आप। ये देखिए मेरा सिक गया है नान, अब मैंने प्लेट में उतार रही हूँ। अब देखिए मैं बटर लगा रही हूँ, कितना परफेक्ट लग रहा है मेरा नान। ये देखिए मैंने बटर अच्छे से लगा दिया है, देखिए मेरा नान कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैंने मटन कौरमे से सर्व किए हैं नान। आप अगर चाहते हैं मटन कौरमे की रेसिपी दूं मैं आपको, तो आप मुझे बताना ज़रूर। ये देखिए आप इसे गोभी, आलू की सब्ज़ी कहीं से भी परोस सकते हैं।